चलो शुरू करते हैं। आज जो हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो क्या है उसके ऊपर देख लेते हैं। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे मुंह में छाले हुए, गले में छाले हो रखे हैं, फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इतना सा मतलब मकसद है कि यार मतलब तुम पढ़ो और कुछ नहीं यार। जब कल मीटिंग हुई तो अच्छा नहीं लगा कि रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो अच्छा नहीं लगता और कुछ नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। थोड़ा सा जो हमने देखा है स्केटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो कैसे बनता है, टिंडल इफेक्ट कुछ है, ऐसा कुछ है बस, और कुछ नहीं है। और तो हाँ यही है, और तो कुछ भी नहीं है। फिर भी एक बार मतलब देख लेते हैं इसको जल्दी से, तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर स्टार द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बाय आकाश मन्ना। मैं एक बार ध्यान पहले बोल देता हूँ, ध्यान रखिएगा यार, पढ़ते रहो मज़े से, पढ़ते रहो ठीक है, और दौड़ते रहो। मेरे भी नीचे तुम लोग भी पढ़ रहे हो, मज़ा जाएगा। अगर तुम दक्षिणा में हो गए तो हम सक्सेस जाएंगे ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो इस आँख का जो बहुत प्यारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें, ये देखते हैं ठीक है। यहाँ से अगर हालांकि आने वाला तो है नहीं अब, क्योंकि ये आपकी आँख वाँख से तो दिखता नहीं, पर ठीक है देखते लेते हैं। ये सिलेरी मसल्स है, आयरिस है, कॉर्निया है, कंजक्टिवा है, प्यूपिले, लेंस है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, स्क्लेरा है, रेटिना है, फोविया है एंड ऑप्टिक नर्व है। अब मीन्स इनका मीन्स क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक है। रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है हमारी, स्क्लेरा जो आउटर लेयर होगी हमारे पास, फोविया ये तुम्हारे फोविया आउटर सिलेबस को हटाओ, कॉर्निया एक बाहर की जो लेयर होती है। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी होता है ठीक है। आगे हम बात करूँ मैं पिपिल, हमें पता है पिपिल आँख से वो आँख का जो होता है छोटा बड़ा हो जाता है। आयरिस में पता है सिलेरी मसल्स है जो इनको, सिलेरी जो मसल्स से दिखाई दे रही है इनको कंट्रोल करती है। लेंस हमें पता ही है, ज़्यादा नहीं देखना ठीक है। मेन जो चीज़ है हम जो देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके बारे में दे रखा है। आई थिंक सबका आवाज़ आ रही होगी, क्लियर होगी, सब एक बार चैट में अपना अपना नाम डाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा ठीक है। एक एक बार फिर मज़ा ही आ जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं। वेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट गेट्स बेंट ट्वाइस एट द एयर ग्लास इंटरफ्रेंस एंड द ग्लास इंटरफ्रेंस ठीक है। द एमरजेंट रे इज डिवाइडेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्या क्या कह दिया भाई साहब ने, ये बात तो हमने समझनी है ठीक है। अपने पास एक प्रिज्म दे दिया, हालांकि ये सब प्रिज्म आप कहाँ देखोगे, आप सबने प्रिज्म वगैरह देखे हैं, कहाँ देखे हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये सब आपने देखे होंगे अपने फिजिक्स लैब में ठीक है। मतलब हमारे टाइम था तो हमने भी देखा था, बट हमने तोड़े भी बहुत थे, टूट जाते थे, क्या करें यार तोड़े क्या टूट जाते हैं। तो ग्लास प्रिज्म दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है स्नेल्स लॉ मैंने उस दिन पढ़ाया था कि जितना, एक बात हमें क्लियर है कि जितना उधर से आएगा, जितना नहीं एंगल जितना रहेगा नॉर्मल के साथ उतना रिफ्लेक्टेड। में ये आई इक्वल टू आई वाला देखा था, साइन आई पॉइंट साइन आर वाला हमने थोड़ा बहुत देखा था। यहाँ हम जो देखने वाले हैं कि इंसिडेंट रे आई, और यहाँ पे ये देखो इंसिडेंट रे आई कुछ यहाँ अंदर हुई रिप्ले, रेस डेंसर वाली कंडीशन हो रही है ना, फिर वापस इधर निकल गई। यहाँ एक बात देखिए, अगर ये रे डायरेक्ट निकलती तो यहाँ जाती ठीक है। अगर इस वाली रे को मैं पीछे लेके जाऊँ तो कुछ यहाँ पे आ रही है ठीक है। और एक और दूसरी बात, अगर इनका चलो नॉर्मल नॉर्मल डालते हैं ग्लास प्रिज्म। अब इनकी अब समझते हैं जो जो लिख रखा है इनके बारे में क्या है। ग्लास प्रिज्म क्लियर है कि ग्लास प्रिज्म नॉर्मल हम जानते हैं, जो परपेंडिकुलर नॉर्मल डालते हैं। इंसिडेंट रे जो रे आई ठीक है, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्टेड तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, रिफ्लेक्ट पर रिफ्रैक्टेड हुई, रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने ठीक है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था पहले जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे पुराना वाला, तो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। यहाँ पर इंसिडेंट रे आई रिफ्रैक्ट हुई अंदर और वापस निकल गई ठीक है। तो जो लास्ट वाली जो रे निकलती है ना उसको हम बोलेंगे इमरजेंट रे, और जो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच इमर्ज हो रहा है ना, तो इमरजेंस हो गया ठीक है। अपने पास ये बात क्लियर है, अपने पास रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हुआ, इंसिडेंट रे क्लियर हुआ, नॉर्मल क्लियर हुआ,
ग्लास प्रिज्म क्लियर हुआ, इमर्जेंट रे क्लियर हुआ, एयर और रेयर डेंसर का पता ही हमें, मतलब एयर और ग्लास वाला। अब हमारे पास आता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है काका जी, ये हमें बताइए आप। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एक बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको समझेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या होता है। एक बार देखिए, इंसिडेंट रे आई, हालांकि रिफ्लेक्ट हुई, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो, सीधी की सीधी जा रही है, तो ये है अपने पास इंसिडेंट रे वाली, ठीक है, सीधी की सीधी चलेगी। और जो इमरजेंट रे निकली थी, इसको अगर मैं पीछे लूँ तो कुछ यहाँ पे जा रही है इमरजेंट रे, और जो इस वाली लाइन जो इंसिडेंट रे से आ रही थी और जो इमरजेंट रे से आई, इनके बीच का जो एंगल होगा, इसको हम क्या बोलने वाले हैं भाई साहब, एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्वेश्चन क्या निकल गया अपने पास, जो जो थ्योरी ऑफ पर्टन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म ग्लास प्रिज्म इट गेट्स बेंट ट्वाइस एयर द एयर ग्लास इंटरफेरेंस और ग्लास एयर एयर ग्लास और ग्लास एयर इंटरफेरेंस। देखिए यहाँ आया, यहाँ पर जितना इधर था तो उतना इधर हो गया ना, ट्वाइस ट्वाइस बेंट हो गया, समझ गया। द इमरजेंट रे इज डेविएटेड बाय एंगल टू द इंसिडेंट, देखिए वो कहना डेविएटेड मतलब उससे हटके, मतलब डेविएट, तो ये इंसिडेंट हो गया, डेविएशन हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब इसका एक काका जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं, हम देखेंगे सब कुछ देख रहे हैं तो ये बात भी देख लेते हैं, ठीक है। हमने भी क्या पढ़ा, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्शन, अब डिप्रेशन पर डिप्रेशन डिस्प्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद ये कुछ देखेंगे अपन, फिर ये अगर अपन दो ग्लास प्रिज्म मिला तो क्या होने वाला है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है, जो रात में तारे चमकते हैं वो के देखेंगे, ठीक है, जो सनराइज और सनसेट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, और स्केटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, कलर जो स्काई का कलर होता है ब्लू क्यों होता है वो देखने वाले हैं हम, ठीक है, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बात देखिए, आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, बड़ी क्यों नहीं होने वाली, एक तो थोड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ, मतलब आवाज़ में थोड़ा फर्क भी आ रहा होगा, बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी चलो ठीक है अमन कर रहे हैं, ठीक है। बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट, ठीक है, आई अपने पास वाइट लाइट, अपने पास सिर्फ प्रिज्म था तो अपने पास विबग्योर, और जो हिंदी है उस उनके लिए बेनी आह पिनाला, विबग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, बेनी आह पिनाला, बैंगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी और लाल, ओके गुड आकाश। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इंटू अ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अपने को क्या बात समझ में, कि अगर वाइट लाइट पास थ्रू होती है ग्लास प्रिज्म से तो ये स्प्लिट हो जाती है कलर्स के बैंड में, ठीक है, वाइट लाइट यहाँ पे आई अपने पास, ठीक है, दिख रहा है हमें वाइट लाइट अपने पास यहाँ पे आई और बैंड डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, स्प्लिट मतलब टूट गई, तो उसको क्या बोलने वाले हम, उसको बोलने वाले हम स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, और इसको हम क्या बोलेंगे, वाइट लाइट का डिस्पर्शन हो गया, जो वाइट लाइट थी उसका डिस्पर्शन, डिस्पर्स मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाँ डिस्पर्स, जैसे मॉर्निंग प्रेयर के बाद, हमीन महोदय के बाद, मतलब राष्ट्रगान के बाद जब अपना लीडर बोलता है डिस्पर्स, तो हम सब अपनी अपनी क्लासरूम चले जाते हैं, तो वही है वाइट लाइट का यहाँ पर डिस्पर्शन हो गया, ठीक है, वही और जैसे अपन उस जैसे वो क्लास प्रेयर कर रही है या पूरी नौदे प्रेयर हो रही थी, तो पूरी नौदे का डिस्पर्स हो गया कि सब अपने अपने जगह पे चले गए, ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट हेज विबग्योर में पता है, द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड वॉट, ये बात याद रखनी है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे और कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, इसको कॉपी पर लिखेंगे, लिख ले जल्दी से लिखेंगे, लिख लिया, ठीक है, लिख लिया होगा, लिख लिया जिसने नहीं लिखा, जब भी मैं पढ़ाता हूँ यार आपके पास
कॉपी पेन तो होना ही चाहिए, तो आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। ये बात देखी हमने कि हाँ इधर से वाइट लाइट आई और डिस्पर्सन हुआ, और डिस्पर्सन होके अपने पास ये खेल सारा हो गया। आगे चलते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम वाइट लाइट प्रोड्यूस वाइट लाइट, क्या कहना चाहते हैं इन्होंने? इन्होंने पता है क्या, साइंटिस्ट कुछ भी करते रहते हैं। हमें इतना पता था भाई साहब कि हाँ वाइट लाइट आएगी, प्रिज्म ऐसे रख दिया तो अपने पास कुछ बेंड होगा, ठीक है, बेंड होके इधर आएगी। बट एक प्रिज्म उल्टा रख देते हैं भाई साहब, तो क्या होगा? तो वापस वाइट लाइट निकल जाएगी भाई साहब। ये बात देखी हमने, वाइट लाइट आई और वाइट लाइट ही निकल गई। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? वेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट अप इंटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स। वेन दिस कलर्स आर अलाउड टू फॉल एन इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म, इट रिकम्बाइंस टू प्रोड्यूस अ वाइट लाइट। क्लियर हुआ सबको? मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक सीधा रख दिया, उल्टा रख दिया, बात तो वही है कि डिस्पर्सन का वाला, रिकॉम्बिनेशन वाला, मतलब सॉरी क्या नाम, स्पेक्ट्रम वाला जो रूल है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ से आई टिप टिप बरसा पानी, ये जो है ये अपनी रेनबो पे ये जो है दिख रही है अपनी, ये अपने पास आर डी है। आर डी मतलब रेनड्रॉप, ठीक है। और यहाँ से आ रही है ये जो येलो कलर में, ये अपने सूरज जो चाचा है, येलो ड्रिंग रिंग ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, जो अपने सूरज चाचा है वहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन, और चलो यहाँ पे रेन ड्रॉप है अपने पास जो ऊपर तैर रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन यहाँ से, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अ रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शोवर, इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ये क्या बोल रहा है कि रेनबो क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अभी पर प्रिज्म लेके बना रहे थे, वो अपन आर्टिफिशियल बना रहे थे कि लाइट आ रही है, प्रिज्म रखा और कलर्स दिखी अपने, ये आर्टिफिशियल बना रहे थे। पर जो रेनबो है वो क्या है? वो तो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, क्योंकि रोशनी जो आ रही है, मतलब रोशनी लड़की नहीं, मतलब रोशनी जो आ रही है सूरज से, किरण जो आ रही, किरण भी लड़की नहीं, मतलब जो आ रही है रोशनी किरण जो भी है, जो सारी लड़कियों के नाम ही क्यों है, मतलब लाइट आ रही है सूरज से, मतलब सूरज चाचा से, सूरज चाचा नहीं सन से, सूरज भी लड़का हो गया, सन से जो लाइट आ रही है वो क्या? वो नेचुरल। अपने पास रेन ड्रॉप है वो नेचुरल, तो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इन द स्काई आफ्टर रेन शोवर। रेन शोवर क्यों बोला? कि बरसात के बाद ही क्यों होगा यार, बरसात में पहले से रेन ड्रॉप कहाँ से लाओगे यार? बरसात होगा तो तभी तो एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं जो है ड्रॉपलेट्स रही होगी ना। इट इज कॉज्ड बाई द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ठीक है, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि ये डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट वाइट लाइट आ रही है अपने पास, उनका डिस्पर्शन हुआ और अपने पास वो प्रिज्म वाला काम हो गया यहाँ पे और हमें दिखाई दिए। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, बोला ना प्रिज्म जैसा काम कर रही है। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ रेन ड्रॉप्स। ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स वी कैन सी द रेनबो कलर्स। ठीक है, कि वो रिफ्लेक्ट हुई इंटरनली, इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी और फाइनली रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएंगी, तो हमें वो डिस्पर्स हो जाएगा कलर्स का, तो हमें वो रेनबो कलर्स में विबग्योर हमें देखने को मिलेगा। इसमें शायद मेरे को ऐसा लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट इसकी मैं आपको जब यार आकाश में नहीं तो कुछ ना कुछ तो दिखाई गई, तो अपन एक कि मतलब जो है रेनबो कैसे बनता है ये मैंने बात समझ ली। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो ये डायग्राम है देख लिया हमने। एटमोस्फियर रिफ्रैक्शन क्या होता है? हालांकि आपके सिलेबस की इतनी बड़ी बात नहीं है पर देख लेते हैं। ठीक है, एटमोस्फियर रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोस्फियर। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोस्फियर ग्रेजुअली इंक्रीज टू वार्ड द सरफेस ऑफ अर्थ
Because a hot air above less dense than the cool air below. So light gradually bends toward the normal. So real position of star is different from its apparent position. हमें क्या है, गर्म हवाएं ऊपर को चलती है, ठंडी हवाएं नीचे को चलती है, तो हमें बात क्लियर है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का बढ़ता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है और जो रियल पोजीशन है वो डिफर कर जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जैसे दिख रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है नीचे, स्टार है कहाँ पे भैया जी, ये देखो अलग अलग दिख रहा है ना अपने को, एफरेंट स्टार पोजीशन अलग है, स्टार अलग जगह दिखाई दे रहा है। तो वही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, यही है हॉट एयर वाला। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट सॉरी स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट ड्यू टू द चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड द मूवमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो द लाइट फ्रॉम द स्टार इज समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर एंड इट अपेयर्स टू ट्विंकल। ठीक है, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स, ढंग से बताऊंगा रुकिए। द लाइट फ्रॉम स्टार आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड द लाइट फ्रॉम प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड द स्टैंड सोर्स ऑफ लाइट, सो लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स नलिफाई द ट्विंकलिंग स्टार। अब क्या कहना चाहते हैं ये देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो स्टार अपनी जगह चेंज करते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ एटमोसफियर देख किस कारण से अगर बोला जाए तो ड्यू टू चेंजिंग ऑफ स्टार पोजिशन ऑफ स्टार। और एक और चीज़, जो एटमोसफियरिक लेयर्स होती हैं उनका भी कुछ मूवमेंट होता है। तो जो स्टार से अगर अपने को क्या देखना है, अपनी आँखों का भी दिखाई देता है, तब अपने आँखों में कोई लाइट पड़ी, तो स्टार्स की लाइट अगर अपने पास आ रही है तो अपने को समटाइम्स क्या स्टार ब्राइटर दिखाई देता है, ज़्यादा चमकीला, कभी कभार कुछ कम चमकीला दिखाई देता रहा है, और यही हमें को उसका ट्विंकल ट्विंकल मतलब चमकना बताता है। पहली बात क्या है, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार, ठीक है, ये बात सुन में द लाइट फ्रॉम स्टार्स आर कंसिडर्ड द पॉइंट सोर्स इन लाइट, ठीक है, जो वहाँ से है तो बीच में बहुत सारा एटमोसफियर रिफ्रैक्शन हुआ, तो स्टार मूवमेंट करते हैं, एटमोसफियर के लिए मूवमेंट करती है, तो इधर उधर हुआ, तो इतने सारे मूवमेंट्स की वजह से हमें जो स्टार है वो ट्विंकल ट्विंकल स्टार दिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, ये जो दिखी है आपने को कि स्टार इज मूविंग पॉकेट्स ऑफ कोल्ड एयर वार्म एयर वगैरह वगैरह एटमोसफियर, इतने सारे लेयर्स हैं, तो इधर 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 होगा, कहाँ पे कुछ होगा, तो वो रे इधर उधर आएगी ना, तो अपने आंखों को थोड़ा सा इधर दिखेगा फिर उधर दिखा, तो वो चमकती दिखाई देगी अपने को। ये कुछ बोले, सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर सनराइज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, यही है, वही बात है जो ट्विंकल स्टार वाली पड़ी, वही बात यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये एक प्रकार से हमें देखना है क्या एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अपने पास क्या सीखने, मतलब जो क्या एग्जांपल है, तो हम एक बोल सकते हैं, अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ये हो गया अपने पास एडवांस सनराइज और डिले सनराइज का। ठीक है, फिर होता क्या है, जो सनराइज है बहुत बार कहता है पहले हो जाता है हमें बाद में दिखाई देता है, या पहले सनसेट हो जाता है बाद में दिखाई देता है, ये कंडीशन होती है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, हमें वो चीज़ बाद में दिखाई देती है, क्योंकि इतने सारे लेयर्स है वगैरह है, ऐसा थोड़ी है कि समुद्र के दूरी अपना सूरज सूरज कितना दूर है, तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, मूवमेंट है अपनी पृथ्वी का, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मैटर करती है इतनी सारी चीज़ें। हम जो देखने वाले हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट, और सबसे पहले हम जो देखेंगे टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जैसे हमने मैं कमरा खोला तो उसमें देखें कहीं से भी रोशनी आ रही होगी ना, और किसी कपड़े को हम झटकाते हैं तो हमें देखते हैं जो 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 पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल है ना
वो जैसे जैसे उस जो लाइट आ रही है, जो आ रही है उसमें मोशन करते रहेंगे, मतलब एक जो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लाइट आ रही है, ऐसे उस कमरे में लाइट आएगी, जो पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े धूल के कण वो उड़ जाए दिखाई देंगे वहाँ पे, ठीक है। वो यही है अपने पास टिंडल इफेक्ट। वेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कोलोइडल सोल्यूशन, ठीक है, कोलोइडल सोल्यूशन अपने पास ये रहा, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट हो गया। बोलना नहीं आ रहा यार मेरे को। द अर्थ एटमोसफियर कंटेन्स एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट स्मोक एंड एक्सेट्रा, ठीक है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू एटमोसफियर द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई दिस पार्टिकल्स। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटर पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट, लार्ज पार्टिकल स्कैटर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। किसको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया बताओ मुझे। दोबारा बताऊँ, एक बार फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बीम ऑफ लाइट पासिस हुई, ठीक है, वो बताया। तो एट अर्थ अर्थ एटमोसफेयर कंटेन एयर मॉलिक्यूल्स, अपने पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कण हैं, धूल के कण हैं, डस्ट है, जो भी है, स्मोक है, ठीक है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ एटमोसफेयर पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू स्कैटर ऑफ लाइट बाई दिस पार्टिकल। इसमें समझना क्या है, ये तो बहुत प्यारी लैंग्वेज मैंने पहले से लिख दी है, ठीक है। इस बारे में इसको भी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1, चलो आगे चलते हैं। ये जो एग्जांपल से देखिए, यहाँ सॉरी देखिए यहाँ से निकल रहा, देखिए दिख रहा है, ये देखिए पूरा अलग है, पर ये दिख रहा है अपने को, ये चीज़ ये अलग है, ये आ रही है, ओ ये मैं कमरे की बोल रहा था, ये रहा यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो हम देख लेते हैं। First, let us study about Tyndall effect. Tyndall effect is a phenomenon in which a beam of light scatters on striking the particles present in its path. This scattering of light right, the sky or atmosphere is what we see when we look up. Now, floating around in the sky are different types of gases along with little tiny particles. The gases and particles are so small we can't see them, but they are there. So, what kind of particles are floating around in the sky? No, those things are too heavy to float in the sky. The tiny particles that float around in the sky are things like dust, ash, and pollen, and even water. This stuff is so small and lightweight that it stays suspended in the air. Now, as I was saying before, when light travels through the sky towards Earth, the light waves that have longer wavelengths, like red and orange, will pass right through the sky with no problem. But the color blue, which has a short wavelength, will bump into these floating molecules of gas and particles, causing the blue wavelengths to bounce off or scatter in all directions. And when these short wavelengths of blue color scatter throughout the sky, that's what we see when we look up, an entire sky displaying as the color blue. Or maybe I should say, blutiful. But during sunset, why does the sun and the sky is reddish orange? At the sunset, the sun is at lower in the sky and the blue light has to travel through a lot more atmosphere before it reaches your eyes, which means it has lots of time before the blue light to scatter in all direction, and it's the red light that hits your eyes. That's why the sun and the sky is reddish orange during sunset.
किस प्रकार, मतलब ये बहुत बढ़िया वीडियो मैंने आपको बता दिया, वहाँ भी ये भी बता दिया कि इस कलर ब्लू का होता है स्काई का, ये भी बता दिया है मैंने। और एक और बात बता दी, सनसेट और सनराइज के टाइम जो जो स्काई जो सूरज का कलर है वो हमें ऑरेंज क्यों दिखाई देता है, और रेड जो भी है क्यों दिखाई देता है। अब देखते हैं, द फाइन पार्टिकल्स इन एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, कि जो एटमोसफियरिंग में फाइन पार्टिकल्स पड़े रहते हैं उनकी साइज स्मॉलर होती है जो वेवलेंथ विजिबल लाइट की। वेवलेंथ कुछ होती है कि हाँ कुछ एक चीज़ होती है जो, जैसे हमने अल्ट्रा वायलेट रे सुना था, हमने गामा रे सुना था, हमने एक्सरे सुना था, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो अपने पास विजिबल लाइट की भी एक अलग वेवलेंथ होती है। देखिए स्कैटर ब्लू लाइट विच मेक्स विच हैज द शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड लाइट। रेड लाइट से शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, अपने ब्लू लाइट की, विच हैज द लॉन्गर वेवलेंथ। वेन द सन लाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रॉन्गली देन द रेड कलर एंड सो द स्काई अपियर्स ब्लू। ठीक है, इफ द अर्थ हैड नो एटमोसफियर देर वुड नॉट बी एनी स्कैटर ऑफ लाइट एंड द स्काई वुड अपियर डार्क। जैसे हम रात में देख रहे हैं, रात में देखते हैं कि जो स्काई है वो काला काला क्या बोलते हैं उसको, अंधेरा दिखाई देगा। द स्काई अपेयर्स डार्क एट वेरी हाई एटीट्यूड, और हाई एटीट्यूड में स्काई अपेयर्स दिखाई देता है, और हमें वो बात समझ में आएगी वो सूरज वाली, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ठीक है, वाइट लाइट फ्रॉम सन इज कम्पोज ऑल ऑफ कलर द रेनबो मोर देन 20 माइल्स अबोव द अर्थ द स्काई इज ब्लैक अराउंड 18 मिलियन माइल्स अप लाइट एनकाउंटर्स और मॉलिक्यूल्स दैट स्कैटर ब्लू लाइट एंड इट्स कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स द स्काई। ठीक है, ये वो जिगजैग वाली बात जो वीडियो में पूरी बात बताई दी अपने को। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मतलब आज कुछ नहीं था, ज़्यादा चीज़ें हैं थी नहीं, दो वीडियो दिखाए उससे बहुत अच्छा समझ में आया। मेरे कहने का मतलब इतना सा है यार कि मतलब यार सीधा सा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मतलब अच्छे से पढ़ो, जो करा रहे हो करो यार, हम भी मतलब गलत काम तो नहीं करा रहे हैं, हमारे खुद के पेपर है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, बस आपका भी फ़र्ज बनना चाहिए कि हाँ यार हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, वही है यार, मैं जैसे कल की मीटिंग में तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो दीदी लोग बोल रहे थे और तुम बस सुन रहे थे, वो मीटिंग इसलिए नहीं रखी, वो मीटिंग रखी गई थी कि तुम सब बोलो, सबके माइक्स ऑन होने चाहिए, वो हम एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट तुम ऐसा नहीं चाहते शायद, शायद अगर हुआ तो ये अपनी लास्ट क्लास है। मैं आज मेरे को बोलना नहीं आ रहा, फिर भी मैं बीच बीच में रुक रुक के बार बार बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बार बार पानी पी रहा हूँ, बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जीभ बार बार दर्द कर रही है, गला बार बार दर्द कर रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार, नहीं तो सिलेबस लेग कर जाएगा, पीछे रह जाएगा, बट तुम्हारी तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो रिस्पांस आना चाहिए। मतलब आज मेरे को बहुत दुख हुआ कि यार, मतलब सॉरी कल मेरे को बहुत दुख हुआ कि यार मतलब जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। मुझे तुम 50 पेपर देते हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आउट पूछते हो हम बताते हैं, आज क्लास नहीं लिया, मेरी तबीयत कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती है, क्योंकि एक तो सोना नहीं हो पा रहा ढंग से, और दूसरी कि ये बिना मतलब के छाले हो गए और मुंह में और गले में, तो बोलने से और प्रॉब्लम होगी। ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि जल्दी से सही हो जाऊँ और तुम्हारे साथ क्लासेस लूँ, बट यार डिसअपॉइंटेड मत करो यार, मतलब हर्ट होता है बहुत ज़्यादा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरी जगह पर एक बार बैठ कर देखो तो तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारे लिए तैयारी में, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, मेरे नीट के लिए टाइम निकालता हूँ, इवन हमारे चैप्टर से हमारे जो टेस्ट होते हैं वो निकालता हूँ, आज हमारी मीटिंग थी तो उसको ऑर्गेनाइज करना था उसका टाइम निकाला, तो यार सब काम कर रहे हैं, बट बहाने नहीं बनाओ कि ये नहीं था वो नहीं था ऐसा था वैसा था, यूट्यूब पे इसलिए डाल रहे हैं कि बाद में भी, अब दिल खोल के बोलो यार कि भैया ये डाउट है आप गूगल मीट पे क्लास ले लो,
हम रेडी है यार, अगर आगे से बोलोगे, आगे से पूछोगे, बहुत खुशी होती है कसम से। मज़ा आ जाता है कि यार पूछ रहे हैं उनको, वो अपनी चीज़ें देख रहे हैं। कुछ हैं बच्चे जो पूछते भी है, जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बट तुम ज़्यादातर तो मज़ाक में ले रहे हो और मुझे पसंद नहीं है यार कि एक तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर उसकी बात करें मज़ाक के लिए, तो ये तो नहीं चाहिए यार। फिर हम क्लासेस ही बंद कर देंगे, हम पूरा फोकस हमारे नीट के ऊपर करेंगे। तो अगली क्लास आपकी होगी नहीं होगी तो मैं नहीं बोलूँगा, शायद लास्ट क्लास भी हो सकती है। अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो यार कोई फ़ायदा भी नहीं, क्यों ऐसा भी नहीं है कि यार मतलब पढ़ाते जाओ और कोई मतलब ही नहीं हो, सामने वालों की यार क्या बकवास करते जा रहा है, इसको कोर कुछ नहीं आता, ये वो करता रहे तो यार फिर हमने को कुछ नहीं करना, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुम्हारे जेनविस के टीचर है, तुम पढ़ो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पेपर्स हैं नेट पे, तुम अभी लॉकडाउन में घर हो, मोबाइल में तुम्हारे पास नेट है, सब कुछ है, पढ़ो यार, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ यार। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ, कल मैं अगर एग्ज़ाम लेता हूँ तो लास्ट में एक लिंक रहेगी, जो जो बंदा एग्ज़ाम देगा, या बंदी मतलब लड़का या लड़की जो एग्ज़ाम देगा वो ही ग्रुप में रहेगा, उसके बाद जो एग्ज़ाम नहीं देगा उसको मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है। और वो जो एग्ज़ाम देंगे, अभी जो लाइव क्लास चल रही है, कितने से प्रेजेंट होंगे, थोड़े से बस, ये क्या मुझे 50+ लाइव चाहिए। अगर एग्ज़ाम 50+ दे रहे हैं तो लाइव आने में क्या यार, 50+ लाइव आने में क्या जा रहा है तुम्हारा, एक तुम्हारा चैप्टर क्लियर रहा है पर तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं है, बस शायद लास्ट क्लास होगी। खुश रहो, मस्त रहो, झकास रहो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है।